कैसे हो दोस्तों, ये है रेजिडेंट एविल का 14वां पार्ट। तो आइए शुरू करते हैं गेम प्ले। कैसे हो सभी? आई होप ठीक होंगे। और एक जरूरी सूचना देनी थी मैंने, जितने भी सब्सक्राइबर हैं जो भी देख रहे हैं उन सब के लिए, नोट कंफर्मेशन है, कोई भी कंफर्मेशन नहीं है या कोई सबूत वगैरह नहीं है। सब कुछ जो मैं बताऊंगा वो डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर, ठीक है भाई साहब? तो भाई देखो, मैं गेमिंग का चैनल, तुम्हें पता ही है मेरा है, गेमिंग का चैनल है भाई है। तो ये मेरा सिर्फ एक ही चैनल नहीं है, मेरे और भी चैनल्स हैं। मैं इसलिए नहीं बता रहा था कि तुम जाओ और वो सब सब्सक्राइब करो, मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है? पूरी बात सुनोगे तो समझ जाओगे। पूरी बात ये है कि पर्सन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है? मतलब मैं एक ऐसा बंदा हूँ या इंसान हूँ जिसको मतलब बहुत सी चीज़ों में इंटरेस्ट है, ठीक है? एक जगह पर टिकता नहीं है उसका मन, या भटकता रहता है, या एक जगह पर मन रहता नहीं है उसका, ठीक है? ऐसा इंसान हूँ मैं। जहाँ जा रहा है यहाँ से यार, रो मिनट अभी। साइलेंट हो जाता हूँ मैं। जहाँ जा रहा है बताओ यार, इतनी जगह कुछ खाद उड़ा रहे हैं, क्या ही कहूँ मैं। बंदे सो रहे हैं, जहाज उड़ा रहे हैं। मान लो तुम रात के 11 बज रहे हैं और इनको भैया पता नहीं क्या कीड़ा है। अभी सिविन, जहाँ पे सिविन लोग रहते हैं वहाँ तो मत उड़ाओ यार जहाज। चलो मैं बताता हूँ, ठीक है? पर्सन ऑफ इंटरेस्ट मतलब बहुत सी जो मैं इंटरेस्ट है, एक जगह मन नहीं रहता। और मेरा ऐसा है कि मैं और क्या क्या करता हूँ, मैं बुक्स वगैरह पढ़ता रहता हूँ, ठीक है? वो नहीं जो तुम्हें कॉलेज या स्कूल में पढ़ाते हैं, वेद ग्रंथ टाइप, ठीक है? जो ऑप्शन है तुम पढ़ भी सकते हो, नहीं पढ़ सकते हो, जिनका मन है नहीं है, ठीक? वैसे अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए। और मेन पॉइंट ये है कि भैया जितने भी वेद वगैरह मैंने पढ़े हैं, हर एक वेद पुराण या ग्रंथ जिसको तुम कहते हो उनमें, ठीक है, कभी भी वो ग्रंथ उस बारे में होता ही नहीं है वैसे मेन ना, ठीक है? उसमें सब चीज़ें मिलेगी तुम्हें, मैं मॉडर्न वैल्यूज के बारे में मिलेगा, ठीक है? नेचर के बारे और कथा वगैरह भी मिलेगी, वो सब में तुम्हें मिलेगा कुछ ना कुछ, ठीक है? ऐसा नहीं है अगर तुम भविष्य पुराण पढ़ रहे हो या यजुर्वेद पढ़ रहे हो तो उसमें तुम्हें सिर्फ सृष्टि के बारे में बताया जाएगा, ना ना ना, और चीज़ें भी होती है उसमें, ठीक है? और हर एक में या भूत में ही कह दूँ मैं तो, वो भी होते हैं, क्या कहते हैं, फ्यूचर फ्यूचर प्रडिक्शन भी होती है, ठीक है? कि फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर कैसा होगा। जैसा कि तुम सभी जानते हो कि साइंस आज की इतनी जितनी भी टेक्नोलॉजी है वो पुराने समय का अभी तक का 1% भी नहीं है, ऐसा माना जाता है। क्योंकि पुराने टाइम में भाई साहब जो टाइम मशीन थी, मतलब सॉरी टाइम मशीन नहीं, जो टेक्नोलॉजी थी, ठीक है, वो आज के टाइम से बहुत आगे थी, ऐसा माना जाता है। और सच भी है, क्योंकि जो एस्ट्रोलॉजर कह दो या क्या कहते हैं उसको, आर्कोलॉजिस्ट, हाँ, उनको जो भी सबूत मिले हैं वो सब तो यही बताते हैं। जैसे गीज़ा के पिरामिड उस टाइम में कैसे बन गए, ठीक है, विदाउट एनी एडवांस टेक्नोलॉजी। और आज के टाइम में भी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि आप गीज़ा के पिरामिड बना सको, ठीक। और भी चीज़ें हैं, ऐसे शिव जी का मंदिर है, तुमने देखा ही होगा, ठीक है, जिसको पहाड़ को काट के बनाया गया है भाई साहब, ठीक। गेम एंजॉय करते रहो, देखते रहो, कोई चक्कर नहीं, ठीक है? जैसे तुम यहाँ देख रहे हो, इस गेम में भी ऐसी ऐसी जो चीज़ें हैं ये सच में भी होती है, ठीक है? और ऐसी चीज़ें क्यों बनाई गई है, क्योंकि बिजली या कोई भी टेक्नोलॉजी है उसको जो ऊर्जा मिलती है, ठीक है, सोर्स होता है जो उसकी एनर्जी का, वो टेम्पररी होता है, आज के टाइम में टेम्पररी है जितना भी, ठीक है? फ़ोन चार्ज ना करो, चार्जिंग ख़त्म हो जाएगी, टीवी को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड मत कराओ तो नहीं चलेगा वो, ठीक है? इन्वर्टर भी एक टाइम के बाद क्या होएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, काम नहीं करेगा। और ऐसी ही चीज़ें और भी हैं। तो फ्यूचर प्रेडिक्शन में वही फ्यूचर सिंपल सी यही है कि 2025 तक वर्ल्ड वॉर 3 होएगी ही होएगी, ऐसा कहा जा रहा है, ठीक है? भविष्यवाणी का एक बुक है जो कि सभी ग्रंथ और पुराणों में जो भविष्यवाणी करी है उन सब का एक मिक्सचर है, ऐसा कह सकते हो तुम। और भी बुक्स है जो मैंने पढ़ी है, और जो है पश्चिम के लोग हैं जो, ठीक है, ग्रीक सभ्यता और लैटिन वाले, एलेक्जेंडर एक गुरु, एरिस्टोटल वगैरह, और वैसे ही बहुत से
फिलोसोफिकर, ठीक है, उन्होंने भी अपनी बुकों में लिखा है। और उन्होंने कैसे लिखा है मैं बता देता हूँ, क्योंकि सारी प्रेडिक्शन और जितनी भी अभी तक उन्नति हुई है पूरी दुनिया में, उसका सोर्स एक ही है, वो है भारत। भारत के ज्ञानियों ने, ऋषियों मुनियों ने, जिनको आज के लोग कुछ भी नहीं समझते और सिर्फ सोचते हैं कि ये तंत्र मंत्र कर गंदों को ठगते हैं, वो उन्होंने ही बहुत से साइंस और ऐसी टेक्नोलॉजी की खोज करी भगवान की मदद से, ठीक है। भगवान मतलब उन्नत सिविलाइजेशन, ठीक है, इंसानों से भी ज़्यादा विकसित कोई सभ्य था, ऐसा कह सकते हो तुम, ठीक है। उन्होंने हमें ज्ञान दिया भारत में आके। उसके बाद भारत के ऋषि मुनियों ने उस ज्ञान को एक पुस्तक में लिखा, ताकि उनके आने वाले जो नस्लें हैं या बच्चे हैं, उनके बच्चों के बच्चे हैं, वो सब पढ़ सके, यानी कि हम। और आज के टाइम में लोग कदर नहीं कर रहे हैं उनकी, जो भी उन्होंने लिखा या क्या दो उनकी वैल्यू, संस्कार या जो मर्जी, ठीक है, नहीं कर रहे हैं। और तभी इतना पाप बढ़ रहा है दुनिया में, ठीक है। और जंजा मर जा यार, ठीक है, इतना बता दिया है मैंने तुम्हें। चलो ये ख़त्म हो गया है, इसी के साथ आगे शुरू करते हैं हम। आगे खड़ा हुआ है तो भैया सब लोग हो जाओ सावधान, ठीक है। कोई ये मत सोचना कि ये ऐसी है गेम खेल रहा है या व्यू वगैरह के लिए बता रहा है। नहीं नहीं भैया, अपने को कोई वो नहीं है लालच वगैरह। मैं इस वीडियो के थ्रू या जो भी कह दो, कोशिश कर रहा हूँ कि अगर कोई भी जिसने भी जिसके पास भी पहुँचेगी वीडियो, वो इसको देख सके और मोस्टली मेरे सब्सक्राइबर्स जो भी हैं उन तक ये बात पहुँच सके। क्योंकि भैया पुस्तक या कह दो बुक्स में साफ साफ लिखा हुआ है कि अच्छे और सच्चे लोगों तक ही ऐसी बातें पहुँचेगी, ठीक है। और कनकी जी का अवतार हो चुका है, विष्णु जी का 10वां अवतार कनकी, जो कनकी का वध करेगा, उनका भी जन्म 2005 में हो चुका है, ऐसा कहा जा रहा है, ठीक है। और वो 2028 तक लोगों के सामने आएंगे, उससे पहले अभी की जो प्रिडिक्शन है मैं वो बता दूं, अगस्त में सबसे ज़्यादा तबाही होगी, मतलब कि नेचुरल डिजास्टर के ज़रिए, ठीक है। नेचर जो तबाही करेगी, प्रकृति जो तबाही मचाएगी, उसके ज़रिए लोगों को संकेत मिलेंगे और ये मरेंगे एक एक करके। अभी मतलब गेम की बात कर रहा था मैं लास्ट वाली लाइन में, ठीक है, लोगों को संकेत मिलेंगे। और ऐसा ही हो रहा है, मौसम एकदम से चेंज होगा, एकदम से परिवर्तन आएगा, एकदम से बादल आएंगे, कभी सूरज होगा और एकदम से बादल आ जाएंगे, मौसम ठंडा हो जाएगा, एकदम से गर्मी हो जाएगी, ऐसा सब कुछ लिखा हुआ है और हो भी रहा है। और 18, 19 और 20, सारा 18 और 19 को क्या है, अगस्त में वो आएंगे, क्या कहते हैं, भूकंप आएगा, ऐसा लिखा था और आया भी है, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे कि क्योंकि पहला जो संकेत होता है कभी भी, वो होता है भूकंप का, फिर होता है वोल्केनो, और इसी तरह से नीचे से लेके ऊपर तक जब जाओगे पृथ्वी से, ये सभी संकेत, ठीक है। पानी आएगा इसके बाद, उसके बाद आएगा आंधी तूफान, ठीक है, फिर आएगी बारिश, ऐसे संकेत मिलेंगे सबको, ठीक है। संकेत मिल भी रहे हैं, जो पहले से ही है उनको मिल रहे हैं संकेत, कोई टेंशन की बात नहीं है भैया। ऐसे टाइम में अगर आता है तो 2025 तक बताया जा रहा है कि इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक चीज़ सब कुछ जो है वो बंद हो जाएगी एकदम से। और ये क्या कैसे होगा, वो ऐसे होगा क्योंकि नासा ने बताया है कि एक सैटेलाइट है जो वो अपने ऑर्बिट से बाहर चला गया है, और 2025 तक वो पृथ्वी अर्थ पर गिरेगा, और उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वजह से जितने भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं वो काम करना बंद कर देंगे, ठीक है, ऐसे होगा। और उसी टाइम पे पाकिस्तान 13 मुस्लिम देशों के साथ मिलकर, जिसमें चीन भी एक होगा, मतलब टोटल 14 मुस्लिम देश मिलकर इंडिया पर हमला करेंगे, ठीक है। और क्यों करेंगे ये बता दूँ, क्योंकि जब सभी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें काम करना बंद कर देगी, तो यही सबसे सही वक्त होता है किसी भी आर्मी को
या कहीं पे भी अटैक करने का, क्योंकि क्या होता है भाई, कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है। ठीक है, अभी तो कम्युनिकेशन हो सकता है जब तक कि आपके टीवी की इलेक्ट्रॉनिक चल रहे हैं, फ़ोन चल रहे हैं, कम्युनिकेशन ईजी होता है। ठीक है, और किसी भी डिफेंस को कमज़ोर करने के लिए कम्युनिकेशन सबसे ज़्यादा होता है। अगर आप अपने एनिमी का कम्युनिकेशन ही तोड़ दो, ठीक है, उसके कॉमरेड्स से या जितने भी बैकअप है उसके कम्युनिकेशन ही तोड़ो, ठीक है, तो आपका एनिमी सबसे कमज़ोर हो जाएगा, साफ सी बात है। और यही चीज़ होएगी आगे। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ दिया था, हमने पढ़ दिया है, जान दिया तुम सबने। तो अब कोई भी क्वेश्चन हो वो पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन सब पूछेंगे भैया, वो ये है कि कलयुग तो 4,32,000 साल का था, तो आप 5,000 साल, पाँच भी तो 5,123 साल ही हुए, तो आप ऐसा कैसे कह रहे हो? तो भाई हाँ, इतने का ही था। ठीक है, और क्योंकि यार देखो, पुराणों में जितनी भी बातें लिखी हुई है ना, वो सीधी सीधी नहीं लिखी हुई, वो सब इसको हर कोई समझ भी नहीं सकता है। ठीक है, हर कोई नहीं समझ सकता, और मुझे भी ये बात नहीं समझ आ रही है अभी तक। और जो भी कह रहे हैं, अब मैं बता देता हूँ क्या क्या लोग कह रहे हैं। ठीक है, एक चीज़ तो ये कह रहे हैं कि अगर पाप एकदम से बढ़ता है, ठीक है, अपनी सीमा के से अधिक पाप बढ़ने लगता है एकदम से, ठीक है, तो क्या होता है, उस कलयुग युग की आयु बढ़ घट जाती है। मतलब जैसे कि गाय के काटने से 20,000 या 70,000 कुछ आयु घटती है। ठीक है, और किसी को धोखा देता है जब इंसान, तब 200 साल या 200 साल ऐसी आयु घटती है। और जब समाज में स्त्रियों का अपमान होता है तो 60,000 साल आयु घटती है युग की, ऐसे कहते हैं। ठीक है, एक तो कारण ये बताया है, दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि 4,32,000 साल हो, टोटल हो सकता है ये, कि अभी 5,000 साल आया है, इसके बाद सतयुग आएगा, फिर दोबारा कभी कलयुग आएगा। ठीक है, सतयुग द्वापर त्रेता के बाद फिर दोबारा कलयुग आएगा, ऐसे ऐसे 5-5 साल करके 4,032 का हो जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये कन्फर्म नहीं है अभी तक। ठीक है, पर ये कन्फर्म है कि कलयुग का एंड हो चुका है। ठीक है, कलयुग का एंड क्या है, कलयुग का एंड है, अभी 400 वर्ष और पड़े हैं। ठीक है, 5,000 साल का युग था, और 400 साल का हमेशा कन्वर्जन होता है। ठीक है, 400 साल का कन्वर्जन होता है, जैसे सतयुग से कलयुग आने में 400 साल लगते हैं, फिर 5,000 साल तक कलयुग रहा, अब कलयुग से द्वारा सतयुग आने में क्या होगा, मतलब द्वापर से कलयुग आया था उसमें 400 साल लगे थे, अब कलयुग से सतयुग आएगा उसमें 400 साल का कन्वर्जन ये बता रहा हूँ मैं। ठीक है, ड्यूरेशन ये बता रहा हूँ मैं उसके। ठीक है, ऐसे है। और अभी तो अभी हुआ है, 123 साल ही हुए हैं कन्वर्जन को, ऐसा माना जा रहा है। ठीक है, और भाई साफ सी बात है, तुम सभी यार जहाज जा रहे हैं, 2 मिनट रुक जाओ। ठीक है, तो भाई तुम सभी सोचो जरा बैठ के एकदम से। ठीक है, कि अब लगता है कि तुम्हें कि 1,000 साल तक भी, ठीक है, अगर ऐसे चलता रहा जैसे आज क्राइम हो रहे हैं, ठीक है, इंस्टाग्राम पे पूरी वीडियो पड़ी है भाई, कोई छुपाने वाली बात नहीं है, तुम सब भी चला रहे हो इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, यूट्यूब, सब जगह तुम देख रहे हो वीडियो, पत्नियां अपने पतियों के अलावा किसी और के संबंध या रिलेशनशिप में आ रही है। ठीक है, खुद आम चल रहा है आजकल तो, ठीक है, कोई परवाह नहीं हो रही कि आदमी के मन पे क्या बीतेगी, या लड़कियों को मारा जा रहा है रास्ते में, मारा जा रहा है चाकू से, मार रहा है कोई, या लड़ाई हो रही है उनकी। ठीक है, तब भी पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही है, सब बैठे हुए हैं। और अभी जो कांड हुआ है राजस्थान में भैया, तुम सभी को पता है। ठीक है, उससे भाई एक तो ही खासी बात कह रहा हूँ मैं, अब जहाज जाने दो 1 मिनट। चल सुना गया, देखो आप जो कांड हुआ है वहाँ पे, ठीक है, तो भाई महाभारत सबने देखी है, और महाभारत में एक बात स्पष्ट रूप से श्री वासुदेव कृष्ण जी ने कही है कि जब भी संसार में स्त्री का अपमान होगा, उसके वस्त्र का हरण करने की या उसकी इज्जत पर किसी ने हाथ डालने की कोशिश करेगा, और वहाँ के सज्जन पुरुष मौन धारण करके बैठे रहेंगे, नपुंसक बन के,
जैसे महाभारत में जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था तब द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह और अनेक योद्धा जो चुपचाप बैठ के सिर्फ तमाशा देख रहे थे नपुंसकों की तरह। जब दोबारा ऐसा कभी दौर आएगा तो मैं अवश्य अवतार लूँगा, किसी न किसी रूप में जरूर अवतार लूँगा और दोबारा से धर्म की स्थापना करूँगा। ये बात स्पष्ट श्री कृष्ण जी ने कही थी और ऐसा हो भी गया है भाई, ठीक है। और एक बार मैं सिर्फ कह दूँ, सिद्धार्थ तुम देखा ही होगा इंस्टाग्राम पे कि कोई भी राजस्थान के जो एक नेता थे उन्होंने जब वो कोई भी थी असेंबली थी या पार्लियामेंट था वहाँ पे कहा कि हम हमारी हार हुई है गवर्नमेंट को निकाल दिया, ठीक है। तो भाई सबसे बड़ी बात ये थी कि भाई सच बोलने वाले को निकाल दिया एक तो, ठीक है, किसी ने भी सपोर्ट नहीं करा या जो मर्जी चलो कोई नहीं हो तो, बट आगे उनके हाथ क्या हुआ होगा वी डोंट नो। भगवान कोई बुरा ना करें उनके साथ बस, पर उन्होंने एक बात सच कही कि हार हुई है। ये सिर्फ वो गवर्नमेंट की हार नहीं है भाई, देखो इंडिया में हुआ है, इंडिया वालों की हार है, ठीक है, इंडिया वालों की हार है सच में कि इतने कहते हैं कि मेरा देश महान, ठीक है। अभी 15 अगस्त गया है, ठीक है, पिछले महीने मेरा देश महान, जहाँ पे लड़कियों के साथ ऐसा हो रहा है, ठीक है, उनको नंगा करके घुमाया जा रहा है, प्राइवेट पार्ट पे हाथ लगाया जा रहा है, रेप हो रहा है और सरेआम सबको मारा जा रहा है वहाँ पे, उस देश को महान कहा जाना चाहिए? ये मेरा क्वेश्चन खुद से है, ठीक है, आप सबसे भी है, खुद से कर सकते हो यार तुम ये क्वेश्चन, या दिन पे आकर के कह सकते हो कि ऐसा देश महान हो सकता है जहाँ पे लड़कियों के साथ इतना कुछ हो रहा और कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, ठीक, ऐसा देश महान होता है तो ऐसा देश नहीं होना चाहिए, ठीक है, जहाँ पे लड़कियों के साथ इतना बुरा होता है, ठीक है, और लड़कों के साथ भी होता है बुरा, वो नहीं कह रहा, यहाँ पे अभी मैं मेन टॉपिक लड़कियों की बात कर रहा हूँ, ठीक है, लड़कों के साथ भी होता है, या जहाँ पे लड़कियाँ जो लड़कों की बात भी कर लेते हैं, जहाँ पे पत्नियाँ अपने आशिकों के साथ कार में जा रही है या मॉल में घूमने जा रही है और उसका पति है पीछे से आके कह रहा है या जो मर्जी रोक रहा है, तब भी कोई शर्म नहीं है लड़कियों को, ठीक है, ऐसा देश महान है, ओके, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा भाई कि अपना देश महान नहीं है, नहीं है, अभी नहीं है, प्रेजेंट में नहीं है महान, एक टाइम पे था और आगे भी होगा, अभी नहीं है महान अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है, अभी नहीं है महान। देश यार लोग से महान होता है, ठीक है, वहाँ के तरक्की से या बड़ी बड़ी इमारतों से या पक्की सड़कों से कोई देश महान नहीं होता, ठीक है। जिस देश में रहने वाला हर परिवार खुश है, सुखी है, सबको सेटिस्फेक्शन है कि हाँ अगर हमारे साथ कुछ गलत होता है, ठीक है, तो यहाँ की गवर्नमेंट है उनकी ऐसी फैसिलिटी है कि वो मेरे परिवार को कुछ नहीं होने देंगे या किसी के दरवाजे नहीं खड़काने पड़ेंगे उन मेरे परिवार को, ठीक है, वो देश महान होता है। और अभी तक तो मैं ठोक के कह सकता हूँ कि भाई दुनिया में कोई देश महान है नहीं इतना, ठीक है, क्योंकि सब अपना अपनी अपनी जेब भरने में लगे पड़े हुए हैं, गवर्नमेंट पॉलिटिशियन वगैरह सब अपनी जेब भरने में लगे पड़े हैं, लड़कियों को सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही एक से, या कह दो क्या ही कहूँ मैं, अफेयर दोनों कर रहे हैं मैम,
अग्री करता हूँ, बट मैंने कहीं सुना था इंस्टाग्राम पे ही कि मैन स्किन मैन एंड वुमेन किन सोसाइटी, ठीक है, तो एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। हम कितना भी कह दें कि हम मॉडर्न हो गए हैं या हमने बहुत तरक्की कर ली है, इक्वन है सब, लड़का लड़की इक्वन है, कभी नहीं हो सकते इक्वन, लड़का लड़की कभी नहीं हो सकते भैया इक्वन, कभी नहीं। ये बात मैं कहना चाहता हूँ, सबको पता है कि लड़का लड़की इक्वन नहीं होते, फिर भी ज़बरदस्ती पता नहीं क्या है चला रहा है नारा या जो मर्जी, इक्वल इक्वल कहाँ से इक्वल, इक्वल होते ना भाई, देखो साफ सी बात है लड़का लड़की इक्वल होते ना तो स्कूल में बच्चों को ही और शी में डिफरेंस नहीं बताया जाता, चैप्टर ख़त्म होता है, आगे करेंगे हम बात इसी बारे में, ठीक है। वीडियो कहाँ से शुरू होगी, इक्वलिटी से, मिलते हैं अगली वीडियो में।